वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज मैं बना रही हूँ मेदू पकोड़ा। जैसे मेदू वड़ा होता है वैसे ही मेदू पकोड़ा भी बनाया जा सकता है। ये जो रेसिपी है ये डीप फ्राइड है, लेकिन बच्चों के लिए इजी टू ईट निबलर्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे आप इसे खट्टी मीठी या तीखी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी चटनियों से बच्चों के अलग अलग टेस्ट बड एक्टिव होते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ली हुई है उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ता और थोड़ा सा पुदीना। 2 घंटे के लिए गर्म पानी में इस उड़द की दाल को आप भिगो लीजिए, या फिर पूरी रात इसको भिगो करके रख लीजिए। जैसा भी आपकी प्लानिंग है वैसा कर सकते हैं। पानी सारा फेंक दीजिएगा, फिर नए सिरे से इसको 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करके जो पानी हमने डाला है वो भी फेंक देंगे। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और एक बहुत ही फ्लफी बैटर बना करके तैयार करेंगे। जितना हो सके उतना बढ़िया से इसको आप पीस लीजिए। पानी अगर आपको डालना पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इस बैटर को बना लीजिए। बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक होगा, तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए, ध्यान से चलाइएगा। जिस समय आप इसको स्पैचुला से हिला रहे हैं उस समय मशीन बंद होनी चाहिए। कुछ इस तरीके का स्टिकी सा ये डो बन जाएगा, आराम से जार में से बाहर नहीं आएगा। जितने ज़्यादा मुश्किल आपको इसे निकालने में होगी उतना ही बढ़िया ये बैटर बना होगा, यानी कि काफ़ी वॉल्यूम लेगा, काफ़ी थिक होगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। अच्छे से फेंटते रहिए, इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक ये एकदम फ्लफी एयरी ना हो जाए। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को भी 2 घंटे तक भिगो करके इसी आटे के साथ पीस सकते हैं, लेकिन तब भी पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। चावल के आटे से अगर पानी ज़्यादा डल भी गया है तो वो एडजस्ट हो पाता है, क्योंकि आटा सूखा रहता है, पानी ज़्यादा पड़ भी गया तो वो उसको एडजस्ट करने में हेल्प कर देगा। अब ये अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, देखिए जितना हो सके उतना इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करते जाइए। हम चेक कर रहे हैं बार बार पलट के कि क्या बैटर अभी भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। जब तक ये गिर रहा है जल्दी से तब तक ये तैयार नहीं है। या फिर आप दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं, एक कटोरी में पानी लीजिए, ज़रा सा बैटर उसमें टपका कर देखिए। अगर ये तैर करके ऊपर आ जा रहा है पानी की सरफेस से तो तैयार है, अगर ज़रा भी नीचे रह रहा है तो तैयार नहीं है। अब मैंने इसमें मिलाया है 1 प्याज बारीक काट कर, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और पुदीना को भी काट कर। आप यहाँ पर धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन वाली प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। मिर्ची 2 तरह की हो गई है तो आप देख लीजिए, जो भी मिर्च आप डालना चाहें वही डाल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से आप इसको सीजन कर रहे हैं। अब हमने लिया है तेल, तेल गर्म हुआ है चेक कर लिया है, थोड़ा सा बैटर डालकर देख लीजिए। अब हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दीजिए। आप अकेले ये काम कर रहे हैं तो 5-7 बार डाल करके एक और चम्मच लेकर दूसरे हाथ से जल्दी जल्दी गरम तेल ऊपर से डालते जाइए। ये जो है आपके मेदू पकौड़े बढ़िया फूल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आप दही बड़े बनाते हैं, वही चीज़ है ऑलमोस्ट। बस आपने इसके अंदर थोड़े से प्याज, धनिया और ये सब पत्तियाँ मिला दी हैं तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया है, इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। अपने आप में ये कंप्लीट डिश हो जाएगी, आप इसको सर्व कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया चटनी के साथ, जो भी आपको पसंद आती है, नारियल की चटनी से
इमली वाली खट्टी मीठी चटनी से, या फिर हरी वाली पुदीना और कच्ची वाली अमिया वाली जो चटनी होती है उसके साथ, या फिर मीठी दही के साथ जीरा वगैरह डाल करके। सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। इन सब चटनियों के नाम से ही मन करता है कि कुछ क्रंची खाने को मिल जाए। अगर आपके बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनको ये बढ़िया सी चीज़ें बना करके खिलाइए, जिसे खा करके उनका सिस्टम थोड़ा सा सुस्त पड़ जाएगा और वो आराम से सो जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा चैन मिलेगा। दही के साथ अगर आप इसे सर्व करेंगे तो उनके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा और उन्हें नींद भी अच्छी आएगी। तो बच्चों को संभालने की ये टिप्स आई होप आपके काम आएंगी। और मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।